अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कितनी फ़ीस होगी और सेकंड और थर्ड और उसके बाद जितना भी आठ सेमेस्टर होंगे उनकी फ़ीस कितनी होगी, तो फुल डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लेना है पहले सेमेस्टर में, उनकी फ़ीस कितनी है, तो उनकी फ़ीस जो है वो 48,000 रुपीज़। मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं जो, उनकी 48,000 फीस है मॉर्निंग वाले स्टूडेंट की। और ये सारी आपने एक इकट्ठी पे करनी होती है, मतलब 10,000 15,000 करके आप पे नहीं कर सकते। एक चलान फॉर्म आपको मिलता है, उस पर 48,000 सारा आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के फंड्स वगैरह जो भी होते हैं, जो पेपर्स लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो सारे इसके अंदर 48,000 के अंदर ऐड होते हैं। तो ये सारा मॉर्निंग वाले स्टूडेंट की फ़ीस होती है 48,000, और ये आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है। अब इवनिंग वाले पर बात की जाए, इवनिंग वालों की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, तो इवनिंग वालों की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है 56,000 या 57,000। मॉर्निंग वालों की कंफर्म है कि 48,000 है, लेकिन इवनिंग वालों की आप देख सकते हैं 56,000 57,800 तक कितनी होगी, 56,000 आप कर लें कि उतनी फ़ीस है इवनिंग वालों की। तो इवनिंग वालों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा कुछ उन्होंने ऐड किया होता है, फंड्स वगैरह, तो ये इवनिंग की फ़ीस थी। इसके अलावा बात की जाए कि अब सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट जाते हैं उनकी फ़ीस कितनी होती है, तो पहले सेमेस्टर में आपकी मॉर्निंग की फ़ीस भी ज़्यादा होती है और इवनिंग वालों की भी फ़ीस ज़्यादा होती है 10,000। वो 10,000 आपको एडमिशन चार्जेस पड़े होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, तो अब जो मॉर्निंग वालों की 48,000 रुपीज़ फ़ीस थी, वो आपकी सेकंड सेमेस्टर में जाके 38 हो जाएगी, 36 हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। 10,000 उसमें माइनस हो जाएगा, 48,000 है तो वो 38 या 37,000 तक आपकी सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में भी 36,000 37,000 इतनी होगी, और फोर्थ में भी 37,000, फिफ्थ में भी 37,000, और सिक्स में भी, और 7, 8, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। कुछ डिग्रीज़ के 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल की जो डिग्री होती है, कुछ 4 साल वाली डिग्री होती है उसके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की सिर्फ 48,000 होती है, और उसके बाद बाकी सेमेस्टर में 10,000 माइनस किया जाता है और वो 36-37 हो जाती है। वो फिर आपने जितने भी सेमेस्टर पढ़ना है वो आपने इतनी पे करनी है फ़ीस। इसके अलावा बात की जाए कि इवनिंग वालों की स्टूडेंट की फ़ीस कितनी होती है, इवनिंग वालों की जैसे मैंने बोला 56-57 के अराउंड अबाउट होगी, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। अब जैसे सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, तो उनकी फ़ीस सेकंड में जाएंगे तो उनकी फ़ीस कम हो जाएगी 10,000। अगर 57,000 है तो वो 47,000 के आगे पीछे आ जाएगी, 47,000 हो जाएगी फ़ीस। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में भी 47,000 इवनिंग वालों की, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवन में भी, एट में भी, एट में जाके आपने 47,000 देनी है इवनिंग वालों की। तो ट्रांसपोर्ट सभी स्टूडेंट की ऐड की जाती है, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है उनकी भी ऐड की जाएगी, अब जिन्होंने नहीं यूज़ करनी उनके भी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस ऐड होगी उसमें। तो गाइस, वीडियो में यही बताना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की फ़ीस कितनी है और मॉर्निंग और इवनिंग वाले स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस है। तो होप्स आपको आइडिया हो गया होगा कि फ़ीस इतनी है, तो इस वीडियो में यही बताना था। और फ़ीस वो मेरे से कम नहीं करते, फ़ीस बाद में ही कम होती है, अगर आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई किया तो उसके बाद कम होती है, शुरू में आपने पूरी फ़ीस देनी होती है, उसके बाद अगर आपकी स्कॉलरशिप लगती है या आपके क्लास में 6 मार्क्स हैं तो फिर आपकी वो फ़ीस कम हो जाती है। बाकी इस वीडियो फ़ीस के बारे में डिटेल में बताना था, होप्स आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Yeah.